के परी न भाले भाया। दोस्तों आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन की जरूरत पड़ती है, तो उसकी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा, हम समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते हैं। तो अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बीट मार्क की और शेक इफेक्ट की और PNG इमेज की। इस तरह से आपको तीनों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे इस तरह से वेरीफाई कर लेना। अगर नहीं करते आता तो उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया, आज ही बना है, उस वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो देख के आपको इस तरह से ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए बीट मार्क बाय रितेश एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस मिल जाएगा ये वाला ग्रीन कलर का, इस प्लस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला देख लीजिएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर दे उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख लीजिए कुछ इस तरह से आपका सारा फोल्डर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ भी आपके फोटो या इमेज हो वो वाला फोल्डर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं इस तरह सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद अगर अंदर आपके फोटो हुआ तो इस तरह से आपको खिसका के ले सकता हो, ठीक है। यहाँ से क्लिक कर देना फोटो पर, इस तरह के फोटो पर क्लिक कर देना, उसके बाद कुछ इस तरह से अपना फोटो दिखेगा, ठीक है। तो इस फोटो को अपन को फुल साइज़ में करना, फुल साइज़ में करने के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पाँचवें नंबर पर फिल कॉम्प्रोमेशन एरिया पर क्लिक कर देना। इस तरह क्लिक कर दे उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद इधर खाली जगह में कहीं पर भी टच कर देना, ठीक है। खाली जगह में टच कर दे उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना, मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। और यहाँ से आपको दूसरा इमेज इस तरह लेना, उसके बाद थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। और आपको फिल कॉम्प्रोमेशन एरिया पाँचवें नंबर पर फिल से क्लिक कर देना। इस तरह फोटो फुल साइज में हो जाएगा, उसके बाद ये वाला एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना ट्रिम टू एड पर, ठीक है। इससे क्लिक कर दे कुछ इस तरह फोटो कट हो जाएगा। उसके बाद खाली जगह में टच कर दे, फिर से आपको प्लस मिल जाएगा, इस प्लस पर क्लिक कर देना, ठीक है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ से तीसरा इमेज इस तरह ले लेना, उसके बाद थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके फिल कॉम्प्रोमेशन एरिया पाँचवें नंबर पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर कट कर देना। उसके बाद खाली जगह में टच कर फिर से आपको प्लस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से अगला फोटो इस तरह से ले लेना। इस तरह से दोस्तों आपको लास्ट तक फोटो ऐड कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ। अगर दोस्तों चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी लास्ट तक इमेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिएगा मैंने इस तरह से लास्ट तक इमेज ऐड कर ली, इमेज यानी फोटो ऐड कर ली। उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद आपको बैक चले जाना, बैक यानी पीछे चले जाना। और आपको यहाँ पर देख लीजिए शेक इफेक्ट बाय रितेश एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको ये वाला लास्ट वाला फोटो मिल जाएगा, देख लीजिएगा ये वाला, इस फोटो पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। लास्ट वाला फोटो पर इस तरह क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस कोने में, देख लीजिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस तरह कॉपी कर लेना। उसके बाद इस तरह आपको बैक चले जाना, ठीक है। और आपको बीट मार्क बाय रितेश एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से उंगली से उठा लेना है, उठा लेना। उसके बाद आपको इस तरह से आगे आ जाना दोस्तों, देख लीजिएगा इस तरह से और आगे खींचना और यहाँ तक आ जाना, देख लीजिएगा ये वाला फोटो। आपको यहाँ पर टाइमिंग दिख रहा है 5.9 से, आपको देख लीजिएगा 5.9, तो इस तरह से आ जाना यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ये वाला फोटो मिल जाएगा, इस फोटो पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक कर देना, फिर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। और आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक कर दे उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा कुछ इस तरह से अपनी इफेक्ट ये वाली ऐड हो चुकी है, ठीक है। देख लीजिएगा कुछ इस तरह से ऐड हो चुकी है। उसके बाद इस तरह से आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। लास्ट तक आके जाना और आगे पीछे आ जाना और यहाँ तक आ जाना, देख लीजिएगा दोस्तों।
18.18 सेकंड आपको टाइमिंग दिख रहा है, इस तरह आ जाना और यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक कर देना। उसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना। इस तरह से इफेक्ट ऐड हो चुके हैं। उसके बाद इस तरह आपको बैक चल जाना, आपको शेक इफेक्ट बाय रितेश एडिटिंग इस पर क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला फोटो पहले नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर क्लिक करके थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना, इस तरह कॉपी कर लेना। उसके बाद बैक चले जाना और आपको बीट मार्क बाय रितेश एडिटिंग इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर उठा लेना दोस्तों, ऊपर उठा लें। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा पहले नंबर फोटो को छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको अगले फोटो तक देख लीजिए, यहाँ पर आ जाना 25 आपको दिख रहा है इस तरह टाइमिंग 25। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा इस फोटो पर क्लिक कर देना और इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर क्लिक कर देना और थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना। इफेक्ट अपनी ऐड हो जाएगा, उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना, ठीक है। देख लीजिए कुछ इस तरह से अपनी इफेक्ट ये वाली ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगले फोटो में क्लिक कर देना और इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर क्लिक कर देना और थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना, खाली जगह में आपको टच कर देना, ठीक है। तो अपनी इफेक्ट कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये एक फोटो छोड़ देना और यहाँ तक आ जाना, देख लीजिएगा 3.1 सेकंड तक। उसके बाद इस फोटो पर क्लिक कर देना और इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर क्लिक करके थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद आपको खाली जगह में टच कर देना, ठीक है, और अगले फोटो में क्लिक कर देना। इस तरह अगले फोटो में क्लिक करके इसमें भी ये वाला इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है, ऐड कर ली। उसके बाद देख लीजिएगा कुछ इस तरह से अपनी इफेक्ट ऐड हो चुकी है, ठीक है। देख लीजिएगा दोनों फोटो में ये वाला इफेक्ट ऐड हो चुकी है। उसके बाद एक फोटो ये आ रहा है इसको छोड़ देना और अगला आ रहा है इसको भी छोड़ देना, अपन इफेक्ट ऐड कर लिया, ठीक है। और यहाँ तक आ जाना 7.15 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक कर देना और इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना, खाली जगह में आपको टच कर देना, ठीक है। और अगले फोटो में क्लिक करके इसमें भी दोस्तों ये वाला इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है, ऐड कर ली। उसके बाद आपको देख लीजिएगा इस तरह से आपको दो दो फोटो एक एक फोटो छोड़ देना और यहाँ तक आ जाना, देख लीजिएगा 9.22 सेकंड तक। और ये दो फोटो आ रहे हैं इसमें ये वाली इफेक्ट ऐड कर लेना, एक छोड़ देना। उसके बाद फिर यहाँ तक आ जाना, देख लीजिए 11.29 सेकंड तक, और दो फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेना, एक छोड़ देना। फिर से आपको दो फोटो में ऐड कर लेना, एक छोड़ देना, और फिर से आपको दो फोटो में इफेक्ट ऐड करना, एक छोड़ देना। और यहाँ पर देख लीजिए ये वाले फोटो इसको भी छोड़ देना, ठीक है, इफेक्ट ऐड कर लिया इसको छोड़ देना। और यहाँ तक आ जाना 20.26 सेकंड तक, इसमें भी ये वाले इफेक्ट आपको ऐड कर लेना। इस तरह दोनों फोटो में ये वाले इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है। इस तरह अगले फोटो में भी मैं ये वाले इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड हो चुकी। उसके बाद ये वाला फोटो आ रहा है इसको छोड़ देना, उसके बाद अगले फोटो दो आ रहे इनमें ये वाले इफेक्ट ऐड कर लेना। इस तरह से दोस्तों मैं लास्ट तक ये वाली इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, एक एक फोटो छोड़ के दो फोटो में ये वाली इफेक्ट में लास्ट तक ऐड कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा दोस्तों मैंने इस तरह से इफेक्ट ऐड कर ली। उसके बाद बैक चल जाना, आपको शेक इफेक्ट बाय रितेश एडिटिंग इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा दूसरे नंबर फिट इस पर क्लिक कर देना और इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर क्लिक करके सी डॉट बिंदु पर क्लिक करेगा आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना, बैक चले जाना और आपको बीट मार्क बाय रितेश एडिटिंग इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा पहले नंबर फोटो पर क्लिक करके इसमें भी इफेक्ट ऐड कर लेना। इस तरह से दोस्तों जितने भी फोटो बचे हैं बिना इफेक्ट वाले हैं, देख लीजिए एक एक फोटो जो छोड़ा है अपन ने, उन सारे फोटो में ये वाला इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लास्ट तक ऐड कर लेता हूँ। अगर आपके इफेक्ट ऐड हो जाए उसके बाद बैक चले जाना और आपको PNG इमेज इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा आपको इस पर पहले नंबर पर इस तरह दबा रखना, ठीक है, इस तरह दबा रखना, यहाँ पर देख लीजिएगा दबा रखना तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना, तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट 3 लेयर पर क्लिक कर देना, इस तरह पेस्ट कर देना। उसके बाद बैक चले जाना, ठीक है, और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर आपको बीट मार्क बाय रितेश एडिटिंग इस पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट 3 लेयर पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिएगा वहाँ से कॉपी कर लेना, उसके बाद इस तरह से आ जाना, उसके बाद आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है दोस्तों। लास्ट तक आ गए, उसके बाद पहले नंबर पर यहाँ पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, इस तरह लास्ट तक ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगले दूसरे नंबर पर इस पर क्लिक करके इसमें भी कहाँ कर देना, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्लिक करके यहाँ तक आ जाना। देख लीजिएगा वीडियो अपने बन के तैयार हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा खाली जगह पर टच कर देना और यहाँ पर तीर का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको स्पॉट पर क्लिक कर देना दोस्तों, तो वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।